सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कुकूस व्लॉग। सो आज का वीडियो ऐसे रैंडमली शूट कर रहा हूँ मैं, तो कुछ आजू बाजू जाने के लिए नहीं था। डेली व्लॉग टाइप वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो ये वीडियो में अभी फिलहाल तो मैं APMC जा रहा हूँ मैंगोज कलेक्ट करने के लिए। एक कस्टमर को डिलीवरी देनी है। देन इफ आप किसी को भी अच्छा क्वालिटी का आम चाहिए और गर्मी का सीजन है तो अच्छे क्वालिटी के आम सबको चाहिए, तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये वीडियो कुछ ऐसा बिजनेस टाइप वीडियो नहीं है, मैं मेरा डेली रूटीन आपको बताने वाला हूँ। और डिलीवरी देने के आने के बाद मैं आपको मेरा रूम टूर कराऊंगा कि मेरे पास कौन से कलेक्शन है वो आपको दिखाऊंगा ये वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। और थोड़ा लुक अलग लग रहा रहेगा आपको, सो थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा आपको भी, बट स्टिल थोड़ा न्यू लुक तो होना चाहिए ना। लेट्स गो, चलते हैं। सो आज जाएंगे स्कूटी से। ये अपन पहली बार आ गए तुर्बा मार्केट। अपना अंबा कलेक्ट करने के लिए सामने है जी, अपने को जाते 324 जी। ये आम कलेक्ट के लिए अपन ये आम का पेटी कलेक्ट हो चुका है और अभी टूवर्ड जा रहे हैं अपन अभी फिर से घर। सो अभी जस्ट घर पे आ गया हूँ, खाना खा के जस्ट बैठा हूँ अभी। और इतनी गर्मी बढ़ गई है ना अभी यार, बेर नहीं होता कि धूप में बाहर निकले। लेकिन अभी काम था तो जाना पड़ा मुझे। अभी थोड़ा जस्ट चिल करूँगा 5-10 मिनट और आपको जैसे मैंने बोला था कि मेरे रूम का टूर नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से अच्छे कलेक्शंस है। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को स्किप मत करना और बस ऐसे ही बने रहे मेरे साथ कुकूस ब्लॉग। आइए आइए हमारा कमरा देखिए। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, पहला फैन बंद करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी अच्छा आएगी। सो अभी आपको एक एक करके मेरे पूरे राइडिंग गियर्स दिखाता हूँ और उसके बाद जाएंगे मेरे शूज के ऊपर। सो फर्स्ट ये मेरा शेरो का हेलमेट है, मैंने जब जी ली थी उसके बाद जाके ये हेलमेट लिया था। ऑलमोस्ट इसको 3 साल होने के लिए आ गया लेकिन अभी तक अच्छा है। लेकिन और बेस्ट ये मुझे बहुत अच्छा डील मिला था, बहुत अच्छे ऑफर में मिला था। ये ऑलमोस्ट 3200 का हेलमेट है और मुझे मिला था 1800 का। और एक और ये है मेरा सबसे एक्सपेंसिव वाला हेलमेट
जो मैंने लिया था जब भी मेरे पास KTM 390 थी, मतलब ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल हो गए इस हेलमेट को, लेकिन अभी तक इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सेम परफॉर्मेंस दे रहा है मुझे। और इसके साथ मेरे पास एक इसका टिंटेड वाइजर भी है और ये फिलहाल तो क्लियर पे ही चला रहा हूँ मैं। और ये है मेरा ब्लूटूथ, आपको तो मोस्ट ऑफ द लोग को आपको पता रहेगा ब्लूटूथ क्या काम करता है। ब्लूटूथ मतलब जो जब भी हम लोग राइड करते हैं तो जिन लोग के पास भी सेना है तो डायरेक्टली वो एक साथ कनेक्ट होता है और हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, इतना सिंपल है इसका। ये मैंने लिया था 1 साल पहले, ये मैंने US से इम्पोर्ट किया था और मुझे इसको भी इसका भी बहुत अच्छा डील मिला था। ये मुझे 14,000 का पड़ा था ये, और इंडिया में इसकी प्राइस है अभी 25,000 और इसका मॉडल है S20 EVO। सो ये हेलमेट का कलेक्शन हो गया और मेरा भी जैकेट आपको दिखाता हूँ। और ये है मेरा अल्फाइन स्टार का जैकेट, बहुत ही कंफर्टेबल है और ये भी मुझे अच्छा प्राइस में गिरा इसलिए मैंने ले लिया। तो ये एक अल्फाइन स्टार का जैकेट है मेरे पास और एक है मोटोडेक का, तो मोटोडेक वाला भी मैं यूज़ नहीं करता फिलहाल, मैं अल्फाइन स्टार वाला यूज़ करता, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड बहुत ही लाइट वेट है। ये था हमारा जैकेट। देन अभी आते हैं ग्लोव्स के ऊपर, ये स्काला का ग्लोव्स है, ये भी मेरे दोस्त ने दिया था, इसका भी अलग स्टोरी वो कभी बाद में बताऊंगा। तो मेरे पास ग्लोव्स अभी ये एक है और अल्फा स्टार का एक है, वो शॉर्ट हैंड वाला है, वो मेरे को मिल नहीं रहा है अभी, तो बाद में कभी राइड को जाऊंगा तभी बताऊंगा। और उसके बाद आती है ये मुलायम सीट, तो ये जब भी होती है तभी राइड बहुत कंफर्टेबल होती है और जिस भी राइड में ये ना हो तो जाते टाइम तो अच्छे से जाते हैं लेकिन आते आते हालत इतनी बेकार हो जाती है ना, और घर आते थे छाल तो ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होने लगती है। लेकिन टाइम्स टू फिगो कि इसने इतनी अच्छी और सस्ती सीट बनाई कि जो ऐसे ही कोई भी राइडर को बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और अच्छी क्वालिटी है। सो थम्स अप टू फिगो। एंड उसके बाद आते हैं इसमें, और ये है नेक्स्ट गियर जो कि राइडिंग बूट्स है मेरे बीबीजी के, ये भी मैंने 1 साल पहले लिए थे, लॉकडाउन के पहले लिए थे 2020 में फेब में लिए थे मैंने ये, और मेरे को ये पड़े थे ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ के, लेकिन बहुत ही अच्छे शूज़ है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है, वाइल्ड राइडिंग इतना पैर को तकलीफ होता ही नहीं है एंड ऑलमोस्ट ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो बारिश के टाइम इतना पानी अंदर नहीं जाता शूज़ के, तो ये एक अच्छे शूज़ है। देन नेक्स्ट आते हैं मेरे टैंक बैग पे, फिलहाल मेरे को लगेज कैरी करना रहता है शॉर्ट राइड पे, तो टैंक बैग बहुत ही अच्छी है, गॉड्स की टैंक बैग है, मैंने ये ली थी अराउंड 800 रुपीज़ की। बहुत ही सस्ती और बहुत ही स्पेशियस ऐसी टैंक बैग अवेलेबल है। वाइल्ड राइडिंग सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे नी गार्ड्स है मोटोडेक के, ये भी जब भी मेरे पास KTM थी तभी लिए थे, अभी फिलहाल तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, थोड़े इसके स्ट्रैप्स लूज हो गए बट स्टिल मैंने 4-5 साल ये यूज़ किए लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मैंने ये परचेज किए थे अराउंड 3,000 रुपीज़ के। और वाइल्ड राइडिंग सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेफ्टी के लिए पैसा करने के लिए इज वर्थ। पहला आपका सेफ्टी देखो, उसके बाद जाके कोई भी फैशन या फिर ऐसा जो भी अच्छा दिखे वो देखो, पहला सेफ्टी देखो। और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको दिखाना भूल गया। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट हेलमेट है, जब भी मैंने नई नई KTM ली थी
उसके बाद ही मैंने जाके हेलमेट लिया था। अभी हालत थोड़ी बहुत बेकार है हेलमेट की। ये मैंने माउंट किया था यहाँ पे गोप्रो लगाने के लिए, लेकिन अभी तक मेरा गोप्रो आया ही नहीं है। और जी उसका हेलमेट था ये मैंने ऑलमोस्ट 6,000 का लिया था। तभी बहुत ही हैवी हेलमेट था ये, तभी इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को कि कौन सा हेलमेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट स्टिल वन ऑफ द माई फेवरेट हेलमेट है ये मेरा अभी तक का, और इसको मैंने ऐसे बचा के रखा हूँ। और कलेक्शन में ये भी है, और नए हेलमेट्स आएंगे तभी आप। ये वीडियो इधर तक ही रखते हैं, बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो, मैंने पूरा एक्सरसाइज आपको दिखाने लग गया। तो जितना मेरे को पॉसिबल है उतना मैंने आपको एक्सरसाइज दिखा दिया हो। तो इन फ्यूचर आपको धीरे 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 मेरे पूरे एक्सरसाइज दिखाता रहूँगा जितना ऐड ऑन होते हैं। ऐसे ही रैंडमली मैंने वीडियो शूट कर लिया, और कल एक्चुअल में एक बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा कि हम लोग एक इवेंट को जा रहे हैं, बाइकर्स और सुपर कार एंड सुपर बाइक का इवेंट है वो। हम लोग का पूरा ग्रुप जा रहा है वहाँ पे, मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी दिक्कत है जाने में, बुरी शक्ति हमें रोक रही है जाने से, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगी। तो लेकिन हमें वो इवेंट जाने से कोई रोक नहीं सकता, हम तो जाएंगे। तो इसी नोट पे ही आज का वीडियो एंड कर। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, मुझे एनालिसिस में दिखता है। सो सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहो। और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।